अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर एस्ट्रोलॉजर अलियास गफूरी साहब। हम इनसे एस्ट्रोलॉजी के हवाले से कुछ सवालात करेंगे। जी अलियास साहब, बताइएगा एस्ट्रोलॉजी असल में किस इल्म का नाम है? एस्ट्रोलॉजी फलकियात के इलम को कहते हैं। एस्ट्रोलॉजी दूसरे अलूम की तरह ये भी एक तहकीकाती इलम है। इसके ऊपर बहुत सारी जगह पे तहकीक हो चुकी है और ये जानने के लिए कि हाँ भी एस्ट्रोलॉजी, मैंने इसमें जो तकरीबन मेरा इसमें 20 साल का तजर्बा है, मैंने एस्ट्रोलॉजी से बहुत कुछ सीखा है। ये प्रिडिक्शन के साथ साथ एक एस्ट्रोलॉजर जो होता है उसको स्पिरिचुअल हीलर भी कह सकते हैं कि हम एस्ट्रोलॉजी से सितारों के हिसाब से इलाज करते हैं कि इंसान की ज़िंदगी में नाकामियाँ और परेशानियाँ जो हैं उसका अजाला कैसे किया जा सकता है, ये चीज़ भी एस्ट्रोलॉजी में ही पता चलती है। तो एस्ट्रोलॉजी का इलम एक बहुत वसी इलम है, पूरी जो है ना बहुत सारे लोग इस्तफादा भी करते हैं। तो हम लोग ने मकसद ये कि हमारे मुल्क में भी अब इसका ट्रेंड बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन मैंने जो मेरी अपनी ज़ाती तहकीक है, मैंने एस्ट्रोलॉजी को तकरीबन 20 साल से इसको तहकीकाती दायरे में देखते हुए मैंने इसमें बहुत कुछ सीखा है और बहुत सारे लोगों को, हज़ारों लाखों लोगों को इससे मुस्तफीद भी हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मकसद ये कि एस्ट्रोलॉजी को इसको फोकस करें, देखें, ताकि इससे फ़ायदा उठाकर अपनी ज़िंदगी में खूबसूरती ला सकें, अपनी नाकामी और परेशानियों का खात्मा कर सकें। जी लिया साहब, एक और बात बताइएगा कि एस्ट्रोलॉजी का हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में क्या रद्द अमल है? मैंने अर्ज़ किया पहले कि एस्ट्रोलॉजी का जो इलम है ये सितारों का इलम है। ये सितारे जैसे सूरज, चाँद, ये सितारे हैं, जोहल, जोहरा, मरीख, ये सारे सितारे हैं। ये इंसानी ज़िंदगी पर जिस तरह आप देख सकते हैं कि आम जिंदगी में जो है ना, अगर सूरज की तपश है, चाँद की ठंडक है, तो उसको जो है ना वो महसूस किया जा सकता है। तो इस हिसाब से एस्ट्रोलॉजी में जो है ना जी, आम जिंदगी में भी इंसान की ज़िंदगी, मेरे तजर्बे के मुताबिक मैंने अर्ज़ किया कि मेरा तकरीबन 20 साल तजर्बा है, तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है रोज़मर्रा ज़िंदगी में। इससे हम बहुत सी चीज़ें आपस में कर सकते हैं कि भाई इसको किस तरीके से हम जो है ना मुस्तफीज़ हो सकते हैं। जी लिया साहब, एक और बात आपसे पूछना चाहूँगी कि मशहूर फलकियात का कहना है कि एस्ट्रोलॉजी इंसानी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करती है, तो इंसानी ज़िंदगी में इसका क्या रोल है, ज़रा वो भी बताइएगा। मैंने आपको पहले भी अर्ज़ किया है कि इंसानी ज़िंदगी में कैसे रोल है। हर जो है बुर्ज होता है, बुर्ज के साथ साथ एक सितारा हुक्मरान होता है। उस जो है बुर्ज को हम वो बेस बनाकर उसको देखते हैं कि ये किस तरीके से इसके पर असरअंदाज हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है या पॉजिटिव हो रहा है। तो दो मतलब इसमें जो है वो पैदाइशी और शादी का अलग अलग मनाया जाता है, उससे फिर देख के फिर पता चलता है कि इंसान की ज़िंदगी के हालात कैसे जा रहे हैं। हाँ जी, तो ये इस तरीके से एस्ट्रोलॉजी को जो है ना। और एक और सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने एस्ट्रोलॉजी का इल्म किससे मुतासर होकर हासिल किया? एस्ट्रोलॉजी में जो है ना जी, बहुत सारे, कोई ख़ास एक नाम तो नहीं है, एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे नाम हैं। हाँ जी, जिसे मैंने एस्ट्रोलॉजी को जब से अर्ज किया ना कि मैंने इसको पढ़ा देखा, तो फिर मैंने एस्ट्रोलॉजी बजाते खुद एस्ट्रोलॉजी को ही अपना जो है ना वो उसको फोकस किया है कि ये किस तरह, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी की मदद से लोगों की मदद कर सकूँ, लोगों के काम आ सकूँ। हाँ जी, इस वजह से मकसद ये कि यही मेरा फोकस था। अच्छा, एस्ट्रोलॉजी बताते खुद इलम ही मेरा फोकस जी। तो अब आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहूँगी कि रूहानियत का और एस्ट्रोलॉजी का आपस में क्या ताल्लुक है? हाँ जी, रूहानियत जो है वो बुजुर्गों के दिए हुए अताइये से होती है, जो एस्ट्रोलॉजी है वो मेहनत से मिलती है कि मेहनत करनी पड़ती है उसके ऊपर और सितारों का इलम, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में जो है वो डायरेक्शन सबसे ज़्यादा अहम होती है, एंगल सबसे ज़्यादा अहम होते हैं कि हाँ भाई किसको जो है ना कि आपस में सितारे क्या कह रहे हैं। लेकिन रूहानियत में ये सारी चीज़ नहीं होती। रूहानियत वो सूफिया कराम, औलिया कराम, बुज़ुर्गों का दिया हुआ है इलम है, अल्लाह की देन है। सबसे बढ़ कर ये है कि अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह ताला जिसको भी अदा करते, रूहानियत इस चीज़ को कहा जाता है।
अलियास साहब, आपसे एक और बात पूछना चाहूंगी। मैंने अक्सर देखा है कि लोग जेम स्टोन पर बहुत बिलीव करते हैं, तो इसका इंसानी जिंदगी पर क्या असरअंदाज है? ये जेम स्टोन जो होते हैं, ये और सितारे आपस में लाजमो मलजूम है, यानी कि ये आपस में इनकी बहुत ज़्यादा मुताबिकत होती है। किसी भी स्टोन, जब हम स्टोन को रिकमेंड करते हैं तो वो उसको ये देखा जाता है कि कौन सा सितारा, अगर किसी का सितारा गर्दिश में है तो उसको ठीक करने के लिए जेम स्टोन का सितारा सहारा लिया जाता है। ये जेम स्टोन इंसानी ज़िंदगी में बहुत अहम रोल अदा करते हैं। मेरा ये 15 साल का जेम स्टोन के ऊपर, सिर्फ जेम स्टोन के ऊपर 15 साल का एक्सपीरियंस है कि मैंने देखा है कि ये हो ही नहीं सकता कि बंदा जेम स्टोन पहने और उस पर उसके हालात बेहतरी की तरफ ना जाए। ये, हाँ जी, ये मेरा चैलेंज है, हाँ जी, कि बंदे को जेम स्टोन दे। असल में होता ये है कि हम जेम स्टोन जो है वो मुख्तलिफ किताबों में या देखकर उसको पढ़ते हैं और उसके मुताबिक जो है ना वो देख के जेम स्टोन पहने। जेम स्टोन ऐसे नुकसान देते हैं, इसलिए किसी भी, अगर जेम स्टोन से फ़ायदा उठाना तो किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जो है उससे जेम स्टोन के मुतल पूछे, वो आपको जेम स्टोन बताएगा कि हाँ भी आपको कौन सा सूट करता है। ये इसमें जेम स्टोन से सेहत के हवाले से, इंसान की ज़िंदगी, अफरा तफरी के हवाले से, माली पोजीशन के हवाले से, मियाँ बीवी के रिलेशन के हवाले से जेम स्टोन बहुत अहम चीज़ें होती हैं, तो सेहत भी बहुत अहम होती है। तो इसलिए जेम स्टोन को जो है वो बहुत इंतहाई एहतियात के साथ पहनना चाहिए। ये जेम स्टोन ऐसे ही जो है हर किसी के लिखे लिखाए या मुंह से निकली हुई बात को नहीं पहनना, क्योंकि जेम स्टोन, क्योंकि इनका जेम स्टोन का जो ताल्लुक होता है वो डायरेक्ट दिमाग से के साथ होता है, सितारों की गर्दिश को ख़त्म करने के लिए किया जाता है। ये मेरे इलम में ये चीज़ आई है और मैं इससे लोगों को जो है ना यही बात कहता हूँ, क्योंकि ये हक सच की बात है कि जेम स्टोन जो है वो इंसानी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं। ये भी एक तहकीकाती इलम है, इसके ऊपर शिरक या और किसी चीज़ की कोई गुंजाइश नहीं है। ये एक सिर्फ एक इलम की हद तक है और ये इससे जो है ना लोग फ़ायदा उठाते हैं। बहुत सारी चीज़ें जैसे मकसद आप देखें कि तावीज़ है, हाँ जी, और कुछ इस तरह की चीज़ें, इसी तरह जेम स्टोन भी, ये भी एक इसी तरह आप समझे कि स्पिरिचुअल मेडिसिन इसको आप कह सकते हैं कि ये स्पिरिचुअल मेडिसिन है। तो मैं तो जो है ना मशवरा यही दूंगा, हाँ जी, आपके वसात से, आपके चैनल की वसात से लोगों को, कि जो है जब भी आप जेम स्टोन पहने तो उसको किसी प्रॉपर किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछ कर, यानी उसके, बल्कि जेम स्टोन जो है वो बेहतरी के लिए नहीं पहनना चाहिए। मेरा जो तरीक़ेकार होता है जेम स्टोन पहनाने का, मैं वो काम करता हूँ जो इंसानी ज़िंदगी में रुकावटें डालते हैं आगे बढ़ने के लिए, मैं उसके लिए जेम स्टोन रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि खुशहाली अल्लाह ताला ने बजाते खुद इंसान को बहुत खुशहाल बनाया हुआ, लेकिन दुनियावी लिहाज से जो है उसके खुद अपने अमल से वो इंसान की ज़िंदगी आगे पीछे होती है। मैं उसको बेहतर करने के लिए, जस्ट लाइक जैसे एक डॉक्टर इंसान की ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए अपनी सारी सोच और सारे जो है ना वो अदा करता है, इसी तरीके से एक एस्ट्रोलॉजर भी जो है वो इंसान की लाइफ को जेम स्टोन रिकमेंड सिर्फ इसलिए करता है कि वो उसमें से जो रुकावटें हैं उसकी लाइफ में वो दूर हो जाए और उसको सच्चाई के रास्ते पर वो आ जाए और हक सच की बात करते हुए उसको कामयाबियाँ मिले। ये अपना जेम स्टोन इसके मुताबिक। तो सर, साथ ही हमें ये भी बताते चले कि इन जेम स्टोन्स की पहचान कैसे होती है। अक्सर लोग कहते हैं कि इस पे बाल जला के देखा जाए तो वो जल जाए तो ये रियल नहीं होगा, अगर नहीं जले तो ये रियल, तो क्या ये बात सच है? नहीं, ये तो आपने वैसी बात कर दी है कि जितने मुंह उतनी बातें, ये इसका, इन सब चीज़ों का ये मफरूजे हैं, ये इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। जेम स्टोन जेम स्टोन ही होता है, तो उसको सिर्फ जो है ना वो, हाँ, वो ये होना चाहिए कि वो प्लास्टिक ना, आजकल मार्केट में प्लास्टिक के और दूसरे तीसरे बहुत आए हुए हैं। जेम स्टोन, स्टोन का मतलब पत्थर है, पत्थर जो होगा वो पत्थर ही होगा, ठीक है, उसको कैसे डालना है, वो दूध में डालना है, बनाना है, ये सारी चीज़ें ये एक ऐसे मफरूजे हैं, मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ है। लेकिन मैं तो अपने इलम की बात कर रहा हूँ और अपने तजर्बे की भी बात कर रहा हूँ। आपको अर्ज़ किया कि 15 साल से मेरा यह तजर्बा है जेम स्टोन से, जेम स्टोन से हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। मैं लोगों को भी आपके चैनल के हिसाब से कहूँगा कि जेम स्टोन से फ़ायदा ज़रूर उठाएँ, इससे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपकी लाइफ में बहुत बेहतरी आएगी। ये मेरा दावा भी है और आप, अगर आप कोई चाहे तो इंशाल्लाह उसको जेम स्टोन निकाल के देता हूँ। मैंने अर्ज़ किया ना कि जेम स्टोन बेहतरी के लिए होता है,
جس طرح میڈیسن بہتری کے لیے ہوتا ہے, یہ کوئی اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ ہر چیز جو آپ کی ٹھیک ہے, یہ بہتری کے انسان کی لائف کو بہتر کر سکتا ہے. تو سر یہ اس کا تعلق ڈیٹ آف برتھ سے بھی ہے؟ ہاں جی ہاں جی, یہ میں یہاں ایک آپ نے بہت اچھا سوال کیا, میں ایک چیز مینشن کر دوں, میں نے اس کے اوپر جو تحقیق کی ہے وہ یہ ہے کہ دو دفعہ انسان کی قسمت بنتی ہے, ایک جب وہ پیدا ہوتا ہے, دوسرا جب اس کی شادی ہوتی. شادی انسان کی زندگی میں بہت اہم چیز ہے, تو اس لیے جس وقت ہم اس کو دیکھتے ہیں تو پھر دو زائچے, ہاروسکوپ اس کو کہتے ہیں اردو میں, ہم اس کو زائچہ کہتے ہیں, مختلف زبانوں میں مختلف اس کا نام رکھا ہوا ہے. تو جو ہے اس کو پیدائشی زائچے کو پھر ہم شادی کا زائچہ بنا کر پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے مسائل کیا ہیں. تو پھر یہ ایگزیکٹ ڈیٹ آف برتھ اور اس کے بعد اگر شادی شدہ بندہ ہے یا مرد اور عورت کوئی بھی ہے تو اس کے دو زائچے بنتے ہیں, اس کے بعد پھر دونوں کو دیکھ کر پھر یہ نتیجہ نکالا جاتا ہے کہ اس میں کیا پرابلم ہے, کہاں سے پرابلم ہے, تو وہ جو ہے نا وہ پتہ چل جاتا ہے. اس کا تعلق تاریخ پیدائش ہوتا ہے. یہ جو نام کے حوالے سے ہوتا ہے یہ اور علم ہے, یہ اسٹرالوجی جو ہے وہ صرف اور صرف تاریخ کے حساب سے ہوتی ہے, وہ تاریخ پیدائش ہو یا شادی کی تاریخ ہو. شادی کی تاریخ, یہ بڑا اچھا سوال آپ نے, کیونکہ شادی کی تاریخ بہت اہم ہوتی ہے, تو اس کو لیے بڑے سوچ سمجھ کر رکھنی چاہیے کہ ہمیں, کیونکہ یہ شادی کو ایک دن کا مسئلہ نہیں ہوتا, ساری زندگی کا نباہ کرنا ہوتا ہے. اس میں بہتر سے بہتر جو ہے طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ ہاں بھی کون سی ڈیٹ سے, کیونکہ وقت جو ہے نا وقت ہی سب کچھ ہوتا ہے. عام طور پر سنا ہوگا کہ بھی جی فلاں کی شادی ہوئی تو یہ ہو گیا, اس کے حالات اچھے ہو گیا برے ہو گیا, وہ کسی کے آنے یا جانے سے, زندگی میں آنے یا جانے سے نہیں ہوتے. یہ میرا تجربہ یہ ہے کہ وہ وقت ہے, اگر ہم اچھے وقت میں فیصلہ کریں گے اس کا نتیجہ آپ کو اچھا ملے گا, اگر ہم برے وقت میں فیصلہ کریں برا. اس لیے بہت سوچ سمجھ کر شادی کی تاریخ جو ہے بہت سوچ سمجھ کر رکھنی چاہیے تاکہ آئندہ زندگی انسان کی خوشحالی میں ہو. سر یہ بھی بتائیے گا کہ بعض دفعہ انسان کو اپنی ڈیٹ آف برتھ یاد نہیں رہتی, تو پھر اس کے لیے آپ وہ اسٹون کیسے ریکمینڈ کریں گے؟ دیکھیں اسٹون کی جو بات ہے, اسٹون میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا کہ اسٹون جو ہے وہ جب تک ہم اس کا ہاروسکوپ نہیں بنائیں گے تو اسٹون کیسے ریکمینڈ کر سکتے ہیں. ہاروسکوپ تاریخ پیدائش سے بنتا ہے, نام کے حساب سے ہاروسکوپ نہیں بنتا, کوئی اور علم ہوتا ہوگا, وہ میرے علم میں نہیں ہے. میرے میں صرف یہی ہے کہ اس کے لیے شادی ہے, یا اگر شادی شدہ ہے تو پھر اس کی شادی کی تاریخ سے جو ہے کمپلیٹ تاریخ, جیسے مقصد یہ کہ آج تاریخ ہے اگست کا مہینہ, ستمبر کا مہینہ ہے, تو اس کے کمپلیٹ ڈیٹ ہونی چاہیے. تو اگر یہ پھر تو مجبوری ہے کہ ڈیٹ آف برتھ اگر نہیں ہے تو پھر بہت مشکل ہے. تو پھر ہمیں اپنے ناظرین سے معذرت کرنی چاہیے کہ جن کو اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں پتا یا شادی کی ڈیٹ نہیں پتا تو وہ اسٹون نہیں پہن سکتے. نہیں وہ اسٹون بالکل نہیں. دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ اسٹون جو ہے نا یہ بہت انتہائی محتاط طریقے سے پہننا چاہیے. جیسے آپ جو ہے نا ایک بندہ بلڈ پریشر کا مریض ہی نہیں ہو, بلڈ پریشر کی دوائی کھا لے گا وہ فوراً گر جائے گا. یہ اسٹون اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. آپ میری بات کا یقین مانیں کہ میں نے خود اپنے تجربے میں لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ انہوں نے اسٹون پہنا ہے, ایسے ہی جو ہے نا وہ کسی سے پوچھ کے یا کتابوں میں پڑھ کے. میں آپ کے چینل کے حوالے سے آپ کی وساطت سے یہ کہتا ہوں کہ اسٹون جو ہے وہ کبھی بھی اس کو اس طریقے سے نہیں پہننا چاہیے کہ وہ کسی سے پوچھ کر یا کیسے, کیونکہ یہ اتنے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں, اسٹون کے ریئیکشن اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ عام لائف میں مقصد یہ کہ اس کو آپ میڈیسن کا بھی جو ہے وہ اس کا ریئیکشن نہیں ہوتا. تو میں تو اپنا نا سارے ناظرین کو یہی کہوں گا کہ اسٹون کو بغیر سوچے سمجھے پہننا, یا ایسے آج کل تو بڑی ایک وبا پھیلی ہوئی ہے کہ جی بس وہ نیٹ سے دیکھیں, ہاں جی اس کے بعد اسٹون پہن لیں, کوئی ڈیٹ آف برتھ فلاں یہ وہ دیتے, پھر ان کو جو رزلٹ نکلتا ہے ان کو یہ سمجھ نہیں لگتی کہ ان کے پرابلم کہاں سے شروع ہو رہے ہیں, کہاں ختم ہوں گے. تو اس لیے اسٹون کو بہت سوچ سمجھ کر پہننا چاہیے. میری تو گزارش یہ ہے عوام سے کہ اسٹون اس طریقے سے نہیں پہننا چاہیے. جی لیا صاحب بہت شکریہ آپ کا ہمیں وقت دینے کے لیے. یہ آپ کی مہربانی تو آپ کے چینل کی کہ آپ نے اپنے چینل کے حوالے سے لوگوں کو اسٹون کے متعلق اور اسٹرالوجی کے متعلق آگاہی کرنے کی کوشش کی. میں تو آپ کے چینل کا اور آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے لوگوں کو آگاہی کے لیے بہت بڑا اسٹیپ اٹھایا ہے. انشاءاللہ آئندہ بھی جو ہے
आपको जो है रहनुमाई देते रहेंगे, अल्लाह खैर करेगा। इसके साथ ही इजाजत चाहेंगे, अल्लाह हाफिज।